क्या बात है कौशल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कामरान जी। अम्मी चलो बेटे नाश्ता लग गया। जी चलिए। अरे सारे इंतजाम हो गए ना? जी जी अम्मी, मैंने एक्चुअली कल ही रात को होटल कॉल करके बुकिंग करवा दी थी। एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल जाके सामान उतार के मैं उनको घर ले आऊंगा। अरे सामान से देखो मुझे याद आया, मैंने तुम्हें सेट दिया था और कहा था कि वो ले आना। क्या किया आप, लेकर नहीं आए? एक मिनट। अरे ये कब लेकर आए? कल ही लेकर आया था, आपको सरप्राइज देना था। अरे वाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कर दिया है उन्होंने तो, ज्वेलर्स ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही थी कि अगर स्टाइल बदल रहे तो पूरी लुक ही बदल गई उसकी तो। कितना जचेगा ना फलक पे। जी अम्मी माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई, कहीं रात को कोई जादू तो नहीं हो गया? ठीक नहीं भाई, बल्कि बहुत ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। समीर अपनी जिंदगी ना मैं अपनी मर्जी से गुजारना चाहता था और अब भी ऐसा ही चाहता हूँ। तो किसे तुम्हें रोका है? बस अपना ख्याल रखा करो। तुम जा रहे हो ना मेरे साथ ऑफिस? नहीं भाई, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वहां से फ्री होके फिर मैं शाम में आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाना, बहुत जरूरी मीटिंग है और तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ऑफिस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। नाश्ता तो करते जाओ। भाई कर लूंगा भाई, ऑफिस में मिलते हैं, बाय। अल्लाह इसके चेहरे की खुशी ऐसे ही बरकरार रखे। देखिए मैं आप रात को ऐसे ही परेशान हो गई थी। मैं तो अभी निकल जाऊंगा, वो डेकोरेशन वाले लड़के आएंगे तो वो फलक से पूछ लेना अंदर कहां कहां सजावट करवानी है, तो वो करवा लेना। जी ठीक है, पूछ लो। ये लो पानी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। जज़ाकअल्लाह। फलक बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं वापसी पे लेता आऊंगा। नहीं अबू, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। जीती रहो बेटा। क्या बात है कौशल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैंने जो भी किया शायद उनकी नजर में गलत था, लेकिन क्या बाप इस कदर जालिम होते हैं? एक बेटी की फिक्र है और दूसरी पर चाहे जो कुछ मर्जी गुजरे, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।